कि जहां पर दिल्ली के रणहोला में दो बच्चों के दर्दनाक मौत का मामला सामने आया। दरअसल इन दोनों बच्चों की मौत कैब में दम घुटने से हो गई। पुलिस ने कैब को सीएफएसएल जांच के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही दोनों बच्चों की उम्र करीब 4 से 5 साल की बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक दास गार्डन में रहने वाले एक कैब ड्राइवर ने कार खड़ी की, लेकिन उसे लॉक करना भूल गया। इसी बीच उसे कार लॉक करने की बात याद आई तो उसने सेंटर लॉकिंग से कार लॉक कर दी। दोनों बच्चे उन्हीं की, जो उनके फादर थे, उन्हीं की गाड़ी में सुबह जब वो आए थे बाहर से, उन्हीं की गाड़ी में अंदर बैठ गए थे और बाहर से गाड़ी लॉक हो गई। जो इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग सिस्टम होता है उससे गाड़ी लॉक हो गई और बच्चे बाहर नहीं निकल पाए। उसके बाद जब पीएम रिपोर्ट हुआ है और बाकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन हमारी हुई है, उसमें पता चला कि बच्चों की डेथ सफोकेशन की वजह से हुई। जो हमारा जो असेसमेंट है एज पर आर इन्वेस्टिगेशन, तो हमें लगता है कि ये एक फ्रीक एक्सीडेंट था।